सो हे देयर गाइस, पोकेमोन कंपनी ने एक न्यू रीजन इंट्रोड्यूस करवाया है जिस रीजन का नाम है यूजुई रीजन। तो यार ये वाला रीजन भाई काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रीजन होने वाला है एंड इस रीजन में तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा ऑसम पोकेमोन्स देखने को मिल सकते हैं। और यार इस रीजन की बात ही अलग होगी मेरे हिसाब से। और यार देखो, इस रीजन के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। और यार भाई बहुत ज़्यादा ऑसम रीजन है यार, जो भी कहो। तो यार देखो, पहले तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ, फिर मैं पोकेमोन की इन्फॉर्मेशन आऊँगा। मतलब पहले रीजन की इन्फॉर्मेशन, फिर पोकेमोन इन्फॉर्मेशन। तो यार ये वाला जो रीजन है, ये शिनो का पुराना दिनों का वर्जन है। मतलब ये ओल्ड शिनो है, बट तुम लोग इसे शिनो नहीं बोल सकते बिकॉज यार अभी बहुत सालों में बहुत चेंजेस आए हैं इस रीजन में। और यार इस रीजन की तो बात ही अलग है भाई, कितना ज़्यादा कूल रीजन है। और यार ये वाला रीजन हमको पोकेमोन लेजेंड आरसीएस गेम में दिखाया जाएगा। और यार ये वाला गेम शायद बहुत ज़्यादा ऑसम गेम हो सकता है। और यार देखो, ये वाला जो गेम होने वाला है, ये मतलब हम लोग को जो स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो गेम था उसी टाइप का, इस वाले गेम में भी हमें मल्टीप्लेयर मतलब ऑप्शन दिखाया जा सकता है। और यार ये वाला गेम भाई काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। और यार देखो, इस वाले रीजन में हमें काफ़ी ज़्यादा न्यू पोकेमोन्स दिखाए जाएंगे। और शायद हमें इसी वाले रीजन में जो गलार रीजन की तरह हमें भी कुछ ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन्स दिखाए जा सकते हैं। जैसे गलार रीजन में हमारा एटरनेटस हो गया, जो गलार का पोकेमोन है, बट काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। शायद इस रीजन में भी हमें दिखाया जा सकता है भाई बहुत ज़्यादा मतलब धमाकेदार पोकेमोन। और शायद हमें जो वाला पोकेमोन दिखाया जाएगा वो मतलब रियल वाले अभी लेटेस्ट शिनो में जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट वाला शिनो वर्जन, वो वाला पोकेमोन शायद एक्सटिंक्ट हो चुका है। और शायद हमारा ऐश कैचम उस रीजन में जाएगा और ट्रैवल करके आएगा। मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा ऑसम जर्नी होगी पोकेमोन एनीमे में जब ये कन्वर्ट होगा। तो यार अब देख बोलता हूँ मैं पोकेमोन, इसके पोकेमोन कैसे होंगे। तो भाई इसमें हमें स्टार्टर्स के भी कुछ न्यू रीजनल फॉर्म्स दिखाए जाएंगे। मतलब कि पोकेमोन के जो स्टार्टर्स हैं, पुराने स्टार्टर्स, उनके रीजनल फॉर्म्स दिखाए जाएंगे इस रीजन में। और यार इस रीजन में हमें कुछ पुराने पोकेमोन्स के भी न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि है यूजुई रीजन फॉर्म्स। तो यार पहला जो पोकेमोन है वो है ग्राउलेट, मतलब ग्राउलेट ही होगा शायद उसका नाम, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो यार इस रीजन में ग्राउलेट को भी एक न्यू फॉर्म मिला है, जो कि है ह्यूजुइन ग्राउलेट। तो यार ये वाला जो ग्राउलेट है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और देखो यार, इसके बाल थोड़े ढके ढके रहते हैं व्हाइट फर से, और इसके सर में एक नुकीला कुछ फर मतलब थ्रोन सा रहता है, जिससे वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। और भाई जानते हो यार, इस मतलब थ्रोन से वो किसी भी स्टोन को भी ब्रेक कर सकता है इजीली। मतलब भाई कितना गजब थिंग है ना, कितना ज़्यादा कूल थिंग है। और यार उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पोकेमोन दिखाया जाता है ना भाई, वो है ह्यूजुइन मतलब ब्रेवरी। तो ब्रेवरी हमें एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन पोकेमोन एनीमे के अंदर दिखाया गया है। वैसे तो पोकेमोन एनीमे में मतलब शुरुआत में मतलब बहुत सारे ऐसे पोकेमोन दिखाए जाते हैं जिनको एक बार में आकर चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि वैसे तो इन सारे पोकेमोन्स का गलार रीजन में भी मतलब कुछ पोकेमोन्स का इस तरह से मतलब न्यू फॉर्म्स आए हैं। जैसे कि देखो यार, हमारा जो एक जिगजैगून पोकेमोन है उसका भी एक फॉर्म आया था ऑब्स्टेगून। तो इस रीजन में भी हमें पोकेमोन्स के कुछ न्यू फॉर्म्स दिखाए जा रहे हैं। और यार देखो, वैसे तो ब्रेवरी के बारे में बात करता हूँ, ब्रेवरी एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, बट इस रीजन में हम लोग को ब्रेवरी एक साइकिक टाइप पोकेमोन की तरह दिखाया जाएगा। और साइकिक और फायर टाइप, डुअल टाइप लेके वो बैठ चुका है। जैसे कि मतलब ग्राउलेट वाला मैं बोलना भूल चुका था, ग्राउलेट है फायर और मतलब स्टोन टाइप पोकेमोन। और यार उसके बाद जो हमें पोकेमोन दिखाया जाता है ना, वो है ह्यूजियन बेस्किलिजन, मतलब बेस्किलिन एक पोकेमोन हमें दिखाया जाता है। तो यार देखो, ये वाला जो बेस्किलिन पोकेमोन है ना, ये एक फिश टाइप पोकेमोन है। और यार देखो, इसका जो टाइपिंग अभी मतलब ह्यूजियन रीजन में जो पढ़ा है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा कूल टाइपिंग है। ये वाटर और घोष टाइप टाइपिंग, मतलब घोष टाइपिंग है भाई। पहली बार मैंने ऐसा टाइपिंग सुना है भाई, ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार टाइपिंग है। और मैंने मतलब पहली बार पोकेमोन एनीमे में इस तरह का टाइपिंग पढ़ा है। और देखो यार, ये वाला जो पोकेमोन है ना, इस वाले पोकेमोन के बारे में मैं कुछ बातें करूँगा। देखो यार, ये वाला जो पोकेमोन है, यानी जो इस पोकेमोन का नाम है मतलब कि बेस्किलिन। तो यार बेस्किलिन जब इवॉल्व होता है ना, मतलब उसको इवॉल्व करने के लिए ऐसा होता है ना, बहुत सारे बेस्किलिन को एक मतलब पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है और झरने के साथ, मतलब बहुत सारे बेस्किलिन को एक साथ झरने में जाना पड़ता है। और झरने में जाते जाते बहुत सारे बेस्किलिन ऐसे होते हैं ना कि भाई बहुत सारे बेस्किलिन मर जाते हैं।
और भाई देखो, जो जितने वैस्किलन मतलब वैस्किलन जो मर जाते हैं उनका आत्मा जो भी मतलब वैस्किलन ऊपर जाते हैं ना उसके अंदर आ जाता है और वो लोग इवॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि देखो यार कितना खतरनाक चीज़ है, मतलब कुछ मरते हैं बट उससे न्यू वैस्किलन को इवॉल्व होने का पावर मिलता है। मतलब देखो यार पोकेमॉन कंपनी हर साल कुछ न्यू करती है और इसी टाइप से हम लोग को कुछ ऑसम मतलब इवॉल्वेशन दिखाया जाता है और जिससे भाई अपना वैस्किलन वैस्के लीजन में इवॉल्व हो जाता है। मतलब देखो यार कितना कूल इवॉल्वेशन है। और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो इवॉल्वेशन दिखाया जाता है ना वो है स्टैंटलर की। स्टैंटलर वैसे तो हमें जोटो रीजन में दिखाया गया है, जोटो में। तो स्टैंटलर का जो ह्यूजन जो इवॉल्वेशन है ना वो है वर्डियर। भाई कितना ज़्यादा कूल इवॉल्वेशन है भाई, मतलब वर्डियर मतलब इतने सालों बाद इस स्टैंटलर को कुछ इवॉल्वेशन मिला है। तो यार वैसे तो मैंने बहुत कुछ बोल ही दिया इस रीजन के बारे में। और वैसे मैं बोल देता हूँ एक चीज़ कि भाई ये रीजन शायद चाइना के ऊपर होने वाला है। भाई चाइना के ऊपर मुझे जितना कुछ लग रहा है इस रीजन को देखने के बाद। और शायद यार ऐसा हो सकता ना कि पोकेमॉन कंपनी ये बोले कि हमारा जो पोकेमॉन है ना, जो कि मतलब जो पोकेमॉन्स होते हैं या फिर कह लो जो ह्यूजियन रीजन होता है ना भाई, वहाँ के जो लोग रहते हैं ना भाई वो चाइनीज़ थे। और यार ये रीजन शायद चाइना का फुल रीजन है और शायद फ्यूचर में ये वाले रीजन के जो लोग थे ना वो किसी और रीजन में चले गए और शायद पोकेमॉन्स भी यहाँ के दूसरे रीजन में चले जाते हैं और शायद कुछ अटैक मतलब कुछ लोग अटैक करके इस रीजन में रह जाते हैं। शायद कुछ बड़ा वार हुआ होगा इन लोग के बीच और शायद किसी और रीजन्स के लोगों के बीच और फिर मतलब ये वाला जो ह्यूजन रीजन यानी कह लो कि ओल्ड शीनो के जो लोग थे ना वो किसी और रीजन में चले जाते हैं और शायद इसी वजह से न्यू शीनो के लोग हमें दिखाए जाते हैं। तो शायद अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पुराने जो शीनो के लोग थे वो दिखाए जाते या फिर पुराने जो शीनो के पोकेमॉन्स हैं वो दिखाए जाते। और शायद ऐसा दिखाया जा सकता है कि जो पुराने शीनो के पोकेमॉन्स या फिर लोग हैं वो किसी और रीजन में रह के बस गए हैं। तो शायद ये भाई कितना ज़्यादा कूल थ्योरी है ना भाई, तो तुम लोग भी खुद सोच के देख सकते हो। और हाँ कमेंट करके बताओ तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो, या फिर कह लो मतलब ये लोग इन्वेडर्स हो सकते हैं। बस यार वैसे तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर से कभी मिलूँगा तुम लोग से। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तुमसे कभी और, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ सब्सक्राइब भी करते जाना।